काम ठंडा होगा चीज़। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे प्लीज़। यह है और हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ फिट किया गया है। तो हर जो आप लोगों को पता है कि अच्छा मेरा है कहाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो कब दिखाऊंगा बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये है हवा महल दिल्ली के अंदर जो है, ये है क्या चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको मैं। तो ये जो गाइस ये देख रहे हैं ये है गेट ऑफ इंडिया, ये है गेट ऑफ इंडिया, मैंने देख लिया फाइनली डमी में मैंने देखा बैठे। तो गाइस मैं आपको पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाया था और मैं आज आ चुका हूँ दिल्ली दर्शन, तो मैं आपको आज दिखाऊँगा और अंदर का सैर भी कराऊँगा। तो फिर अभी जा रहा हूँ मैं टिकट लाने के लिए उसके बाद। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं आज छुट्टी पे हूँ और आज आपको मैं घुमाने वाला हूँ ऐसी जगह कि आप भी देख के खुश हो जाओगे, कहोगे भाई कहाँ घुमा दी हूँ मुझे। तो गाइज मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा, मैं लोकेशन बताऊँगा वीडियो के अंदर, आप लोग भी देख लेना। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जहाँ आज लेके जाने वाला हूँ वो है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो मैं आज मैं लेके जाऊँगा जहाँ जिस जगह पे उस जगह पे है आपको भारत के हर जगह का स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे हर जगह का वो है डम्मी, रियलमी नहीं है वो डम्मी है, और उसके बारे में आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा भी, जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता होगा मैं बताऊँगा भी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आप लोगों का कमेंट नहीं आता भाई, तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, तभी तो मैं आगे कुछ करूँगा। तो भाई नेक्स्ट वीक में तो मैं वीडियो यहाँ का नहीं बना पाया था और मैं इस वीक में आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं मुझे दिखाना था। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें भाई का, क्योंकि मैं मनोज द्वारा नहीं हूँ और ना मैं क्या बोलते सौरभ जोशी हूँ, मैं भाई छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ अभी। तो मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा वैसे ही, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं बनूँगा अच्छा ब्लॉगर और आपको अच्छी अच्छी जगह का वीडियोस दिखाता रहूँगा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें मुझे, थैंक यू सो मच। और तो फाइनली गाइस मैंने गेट पास ले लिया अंदर जाने के लिए और मैं अंदर जाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ अंदर का क्या क्या चीज़ है। आई थिंक मुझे तो पता नहीं है बट मैं आप लोगों को अंदर जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम में मेरे पास कैश नहीं था और मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फ़ोन भी लो हो गया था बैटरी, तो इसी के कारण से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो मैं अभी जाने वाला हूँ दिल्ली दर्शन, क्या है भारत दर्शन पार्क, दर्शन से दिल्ली कह रहा हूँ भारत दर्शन पार्क। तो मैं आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे ये गेट है भारत दर्शन का और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, तो आप लोग भी आनंद उठाएं और चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है भारत दर्शन का गेट और मैं जाने वाला हूँ अंदर, क्योंकि भैया अभी टिकट चेक करेंगे मेरा, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उस टाइम में मैंने आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं जो आया था वो शाम का टाइम था, वो लगभग 8 बजे के बाद ही मैं आया था। तो फाइनली मेरा टिकट हो गया चेक और मैं अंदर जा रहा हूँ, बाकी फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये है भारत दर्शन। तो गाइस आप लोगों को मैं आज लेके आ गया हूँ न्यू जगह पे और आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अंदर, एक आपको पंजाबी बाग मेट्रो से जस्ट ही पास में ही है, मेट्रो के जस्ट पास में ही है और बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही है, मेट्रो का जो बस स्टैंड है उसके जस्ट बगल में ही है। तो आप आए वहाँ से उसी के जस्ट बगल में ही क्या बोलते हैं उसको भारत दर्शन है। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ लगता है 4 बजे तक का और 4 बजे के बाद लगता है 150 रुपये। तो गाइस जब भी आए तो आप 4 बजे भी आ सकते हैं, 4 बजे के बाद आने के बाद आप घूमें अच्छे से और इनके बारे में जानिए। डम्मी है लाइक दिस, ये डम्मी है ये जगह का, जैसे कि मैं बताऊँगा
के बारे में ये है क्या क्या चीज़। तो गाइस ये है गेट ऑफ इंडिया जो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं रेल में गया नहीं हूँ, ये है डम्मी है और ये है गेट ऑफ इंडिया। ये है गेट ऑफ इंडिया, मैंने देख लिया फाइनली डम्मी में मैंने देखा। वैसे तो मैं ये देखा नहीं हूँ रेल का। तो गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगे, यहाँ पे बैठने का भी है, ये देख सकते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो गाइस अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग के ही वजह से हम कुछ कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चीज़ दिखाऊँगा ना सारे डम्मी हैं और डम्मी ही। अब इसके बारे में दिखाऊँगा ये है क्या चीज़, इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको मैं। तो ये जो गाइस ये देख रहे हैं, ये है जैसे कि हम लोग के साइड बोला जाता है पीपल का पेड़, जो हिंदू धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। और ये चीज़ आपको, ये डम्मी है, ये पूरे लोहे के अक्षर बने हुए हैं सारे। ये चीज़ ये जो प्रॉपर ये लोहा का बना हुआ है और यहाँ पे चार बोल से आप देख सकते हैं ये फव्वारा लगा हुआ है। और ये चीज़ बिल्कुल ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं एक कुछ भी बताऊँगा ये है क्या फाइनली ये चीज़। तो मैंने अभी भैया से पूछा थे, इनका नाम बताया, बर्ड ब्रिक्स है ये। इस पे देख सकते हैं ये ना, ये सिलेंडर लगा हुआ है सारा, ये तो बिल्कुल ही ये सब देख सकते हैं, बिल्कुल ये सिलेंडर है। आजकल लोहे सब हैं सारे, बिल्कुल ये सारा लोहे ही बना हुआ, लोहा का ही है। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताएंगे, ये सारे बैठने के लिए है यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे बैठने के लिए सारा ये। और बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है, आप लोग भी आए घूमें अच्छी तरीके से तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें। ये बर्ड ब्रिक्स है ये। तो फिर मैं आगे टूर चलता हूँ, फिर आप लोगों को और भी कुछ दिखाना मुझे। गाइस ये देख सकते हैं, इसके बारे में बताऊँगा ये है क्या चीज़। तो गाइस ये है हवा महल, ये जयपुर का है हवा महल। यहाँ पे दिल्ली के अंदर में आपको स्ट्रक्चर ये बना हुआ है पूरा, ये लोहा का बना हुआ है। तो आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, बट रियली में तो दिखाऊंगा, पता नहीं कब दिखाऊंगा, बट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये है हवा महल दिल्ली के अंदर जो है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और ये देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ धातु से बना हुआ है, वो चीज़ बता रखे हैं। और ये हवा महल है, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे की ओर, ये है बैठने के लिए हम फोटो को। अभी शाम का टाइम जब होगा ना तो इसमें जो अच्छी तरीके से लाइटिंग वाइटिंग जलने लगेगा, तो इसलिए मैं 4 बजे आया था कि मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाऊं। और जो मैं उस टाइम में जो आया ना, दो चार दिन एक पिछले वीक में जब आया था ना, तो उस टाइम में ना क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होता ये होता। तो कोई बात नहीं, मैं अब फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये क्या है मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। तो गाइस ये है गोल गुंबद, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद। तो गाइस ये है गोल गुंबद के बारे में बताया गया है। तो आप लोग आराम से जब भी देखें आराम से वीडियो को क्लोज करके देख सकते हैं। ये स्कैनर भी है, आप वहाँ के बारे में जान सकते हैं गोल गुंबद। तो गाइस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि यार बस आप लोगों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और ये देख रहे हैं ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये सारा ना बिल्कुल ही लोहा का बना हुआ है। और शाम 5 बजे के बाद यहाँ पे ना सारे में लाइटिंग जलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब इतना अमेजिंग लगेगा देखने में, देख के भी ना आप भी बोलोगे भाई क्या दिखा दिया। तो गाइस मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा, इसलिए मैं शाम के टाइम में आया हूँ कि मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखा सकूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को जो कुतुब मीनार दिखाया था, ये देखो उसका डम्मी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं डम्मी है। और ये भाई साहब इतना प्यारा जगह, कसम से मेरे को लगता है दिल्ली में फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ घूमने के लिए। और ये है आपको पंजाई बाग के पास पड़ेगा, इस सब में लाइटिंग का जो नज़ारा है ना शाम को देखने को मिलेगा। आप जब भी आएँ तो 4 बजे आएँ, 4 बजे अच्छी तरीके से घूमें, उसके बाद से फिर आप लोगों को लाइटिंग जब लाइट जलता है ना उसके बाद पता चलेगा कि भाई साहब क्या नज़ारा है।
ठीक है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ आगे की ओर। गाइस ये देख सकते हैं, ये नालंदा का स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बारे में, ये है क्या चीज़ प्रॉपर ये, बट ये है नालंदा जो स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, ये नालंदा है। ये देखें आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें। तो फाइनली मैं अब अंदर की ओर जा रहा हूँ और आप लोगों को मैं और भी चीज़ दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये गेट है जो उधर से मैं आया हूँ, और फिर मैं आप लोगों को और भी दिखाने जा रहा हूँ ये सब चीज़। ये देखें, मैं इसके बारे में बताऊँगा है क्या चीज़ प्रॉपर। तो गाइस ये है मीनाक्षी टेम्पल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बारे में। ये देख सकते हैं आप, ये है, ये देखें आप स्कैनर है, आप स्कैन करके जरूर देख सकते हैं इनके बारे में। ये है कहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब भी आए तो अगर भूख लगे